तो चलिए आज हम एक आसन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वृक्षासन। वृक्षासन को हम इंग्लिश में ट्री पोज भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं इसके प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में। जिस भी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर हो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। या जिसको नाइटोफोबिया हो, जैसे कि बहुत से पीपल होते हैं जिनको रातों को नींद नहीं आती है, उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिसको एंकल इंजरी या नी इंजरी हो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हम इसके बेनिफिट्स के बारे में। वृक्षासन करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है। वृक्षासन से जो हमारी थाई मसल्स हैं और काप मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। वृक्षासन से हमारे एंकल पॉइंट्स और हमारे नी पॉइंट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। वृक्षासन से जो है हमारे पेल्विक पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। यह आसन साइटिका के पेन में भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वृक्षासन करने से पहले हमें किन किन स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइज को करना जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे और हम फिर अपना फिट मोमेंट करेंगे। आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड। उसके बाद हम अपने एंकल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोल करेंगे। यह राउंड हमें मिनिमम 10-20 टाइम्स करना है। उसके बाद हम अपनी राइट लेग को ग्रिप करते हुए लेग स्ट्रेचिंग के लिए आगे जाएंगे। अपसाइड डाउनसाइड, अपसाइड डाउनसाइड। इसमें हमें कोशिश करने के हमारी लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहे और हमारी बैक को भी कोई कर्व ना रहे। और अब हम अपनी एंकल को ग्रिप करते हुए अपनी लेग को स्ट्रेट करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा चिन सिन बोन पे टच हो। यही राउंड हम अपनी लेग लेफ्ट लेग से करेंगे। अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड। और अब हम अपने एंकल को ग्रिप करते हुए लेग को स्ट्रेट करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा चिन हमारी सिन बोन पे टच हो और हमारी बैक बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब हम फॉरवर्ड में जर्क करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक। उसके बाद हम अपनी राइट लेग को 90 पे होल्ड करके जर्क करेंगे। बैक साइड फ्रंट साइड, बैक साइड फ्रंट साइड, बैक साइड फ्रंट साइड। यह राउंड हमें 5-10 बार करना है और हम इसी राउंड को लेफ्ट लेग से भी करेंगे। लेग को होल्ड करते टाइम ध्यान देना है कि हमारे काम मसल्स और थाई मसल्स है जो उनके बीच में 90 का एंगल बने। अब हम अपनी राइट लेग को बेंड करते हुए अपने थाई पे टच करेंगे और हमारा जो लेग बेंड है और जो लेग हमारा फ्रंट है उन दोनों के बीच में 90 का एंगल होना चाहिए। फिर हम अब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। यही राउंड हम लेफ्ट लेग से भी करेंगे। लेफ्ट लेग को भी हम बेंड करके राइट थाई पे लगाते हुए 90 का एंगल बनाएंगे और फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक।
उसके बाद हम फिर से दंडासन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर उठाएंगे और साइड बेंड करेंगे। साइड बेंडिंग में हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम अपनी अपर बैक थोरेसिक पार्ट को ही साइड बेंडिंग करेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। उसके बाद हम स्टैंड होके अपने दोनों लेग्स को शोल्डर के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे और अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की ओर उठाते हुए साइड बेंडिंग करेंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब हम अपने लेग्स को अपने शोल्डर से कुछ ज़्यादा ओपन करते हुए फॉरवर्ड कर आएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को राइट फिट के आउटसाइड रखते हुए साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। और साइड स्ट्रेचिंग करते हुए हमें ध्यान देना है कि जो हमारा हैंड डाउन साइड है और जो हमारा हैंड अप साइड है दोनों के बीच में 180 एंगल रहे, पैरेलल रहे। और उसके बाद हम अपने अपर हैंड को साइड से अटैच करते हुए साइड बेंडिंग करेंगे। अब हम वृक्षासन करने के लिए रेडी हैं। अपनी राइट लेग को बेंड करते हुए अपनी थाई पे लगाना है और अपना टोटल वेट जो लेग हमारे डाउन साइड है उस पे कंट्रोल करना है और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अप साइड उठाना है। इनहेल एक्सेल करते हुए हमें वापस आ जाना है। यही राउंड हम अपने लेफ्ट लेग से भी करेंगे। लेफ्ट लेग को हम बेंड करते हुए अपने राइट थाई पे शिफ्ट, थाई पर हम अपना वेट शिफ्ट करते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और हमारे बेंड लेग में और नीचे जो लेग है हमारा 90 का एंगल बना रहेगा।